तो दोस्तों आज ये 12 अगस्त 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से कोडरेन टेलीवेंचर्स लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें नासिर जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। तो यह है इस कंपनी का मार्च 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट। रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी को रेवेन्यू पे लॉस हुआ है लगभग 0.23% का, ठीक है। नेट इनकम रहा कंपनी का शानदार 86% के आसपास, कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है। कंपनी अर्निंग पर शेयर में भी लगभग 86% के आसपास प्रॉफिट में है इस साल में। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों ये भी सेम है, ये भी 86% के आसपास कंपनी इस साल में शानदार प्रॉफिट में है। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे देख सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है, 163% के आसपास कंपनी इस साल में शानदार प्रॉफिट में है। लेकिन अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1.72, लगभग 2% के आसपास कंपनी इस साल में लॉस पे है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको screena.in पे, जहाँ पे इस कंपनी का सारी चीज़ें हम एक नज़र देखेंगे, जो सारी चीज़ों पर हमें निवेश करने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको आज ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इस कंपनी का, ये कंपनी जो है ये टेलीकॉम सर्विस पे काम करता है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप देख सकते हो यहाँ पे 6.2 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। करंट शेयर प्राइस यहाँ पे 1 रुपये पे आ चुका है, हाईएस्ट बनाया था कुछ दिन पहले 2 रुपया 10 पैसा, और अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस रहा 25 पैसा। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे हाइट करके रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कंपनी का वैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बुक वैल्यू देख सकते हो आप, कंपनी का बुक वैल्यू 37 रुपीज़ माइनस पे जा चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर यहाँ पे बुक वैल्यू ही माइनस पे चल रहा है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपके साथ में मतलब फ्रॉड हो सकता है। कंपनी का डिविडेंड देख सकते हो, ये कंपनी आपको कोई भी डिविडेंड नहीं देता है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाइट करके रखा है। कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं 1 रुपये का है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी का जो भी डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, बीते 5 सालों के मुकाबले में सेल्स ग्रोथ घटा नहीं है, लेकिन 5% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। कंपनी का अगर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 70% का कंपनी का होल्डिंग प्लेस है। 70% का होल्डिंग जो है कंपनी ने गिरवी रखा हुआ है पैसे के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कंपनी का होल्डिंग्स जो है वो गिरवी रखा हुआ है। अभी मैं आपको इस कंपनी का रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे जून के क्वार्टर का मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का एक्सपेंस हुआ है जून के क्वार्टर में 102 करोड़ का, कंपनी का सेल हुआ है 112 करोड़ का। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है यहाँ पे आपका 10 करोड़ में, और यहाँ पे कंपनी देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 25 करोड़ कंपनी लॉस पे है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 25% का लॉस। तो आपको ये लॉस बार बार अपने दिमाग में डाल लेना है, कहीं आप इसका शेयर प्राइस कुछ दिन के लिए अपर सर्किट चले और आप भूल जाएंगे सारी चीज़ें फंडामेंटल। तो फंडामेंटल सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर फंडामेंटल वीक है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। वैसे ही पेनी स्टॉक है, वैसे ही रिस्की चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था 31 करोड़ का, ठीक है, सॉरी 2019 में 31 करोड़ का, 2020 में 28 करोड़ लॉस खाया कंपनी, 2021 में 26 करोड़ लॉस खाया, और यहाँ पे 2022 में कंपनी 25 करोड़ लॉस खाया। तो लगातार कंपनी लॉस पे अपना बिजनेस कर रहा है, कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी को उल्टा घाटा हो रहा है, ठीक है। अगर लॉस वाले कंपनी कोई भी ऑनर चलाता है तो वो फिर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। पता नहीं किस कारण से ज़बरदस्ती जो कंपनी है इसको चलाया जा रहा है लॉस खा के, इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ईयर ऑन ईयर कंपनी का, रनिंग ईयर में देख सकते हो आप कंपनी का 418 करोड़ इस साल में कंपनी का जो है वो एक्सपेंस हो चुका है, 447 करोड़ कंपनी का सेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देख सकते हो यहाँ पे 29 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है। हालांकि मार्च 2022 के क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा है प्रॉफिट, 2022 मार्च में जो है कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यहाँ पे 29 करोड़ हो चुका है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन सेम चीज़ें आपको दिख जाएगा ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। 2019 में 47 करोड़ लॉस खाया था, 2020 में लगभग 300 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस खाया था, 2021 में दोस्तों 117 करोड़ कंपनी लॉस खाया है, फाइनली 2022 में 111 करोड़ अब तक कंपनी लॉस खा चुका है। तो लॉस वाले कंपनी के आकर कंपनी को ही दोस्तों, कंपनी ही लॉस में चल रहा है तो आपको कहां से मुनाफा दिला पाएगा, ये चीज़ें आपकी दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए।
और ऐसे फंडामेंटल वाले शेयर्स पे मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कमेंट आया है, दोस्त मेरे किसी दोस्त ने कमेंट किया है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको भी सावधान रहना है ऐसी कंपनी से। यहाँ पे अगर आप कंपनी का लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ में भी कंपनी घटा रहा है, ठीक है। 2020 में कितना 274 का लाइबिलिटीज़ था, यहाँ पे 2021 में 228 करोड़ हो चुका है, फाइनली 2022 में देखेंगे तो 186 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी लॉस खा रहा है, जिसकी वजह से लाइबिलिटीज और एसेट वो सारी चीज़ों को बेच बेच के कंपनी बिजनेस पे यूज़ कर रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे कंपनी पे, ऐसे फंडामेंटल वाले कंपनी पे कभी निवेश नहीं करेगा, ठीक है। आप निवेश करने से पहले अपनी सारी चीज़ें ध्यान रखना, अपनी तरफ से कंपनी का फंडामेंटल को जरूर समझ लेना, उसके बाद ही निवेश करना। यहाँ पे अगर कंपनी का ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 50% का शानदार होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास, और यहाँ पे FIIs का निवेश 0.02% है। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा निवेश है, यहाँ पे 9.5% का होल्डिंग है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, और यहाँ पे कुल मिला के पब्लिक का पैसा है 40% का, ठीक है। तो 40% पब्लिक का पैसा है ओवरऑल। सिर्फ अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अगर कंपनी का सेल्स देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको सेल करेगा, उसमें प्रॉफिट होगा तो ही इन्वेस्टर को पैसा दिला पाएगा। तो कंपनी खुद ही लॉस पे चल रहा है तो अपने इन्वेस्टर को कहाँ से प्रॉफिट दिला पाएगा। दोस्तों ये चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, और कंप्लीट फंडामेंटल आपके दिमाग में होने चाहिए इस कंपनी पे निवेश करने से पहले। कंपनी कभी भी गलत नहीं होता है दोस्तों, हमेशा समय गलत होता है। अगर आप गलत समय पे गलत शेयर्स को बाय करेंगे तो आपको अच्छा कंपनी भी नुकसान दे सकता है। ये चीज़ें बस अपने दिमाग में होनी चाहिए, हमेशा समय की कदर कीजिए, अच्छे समय पे अच्छे शेयर्स को बाय कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इस वक्त दोस्तों मार्केट बहुत नीचे आ चुका था, जिसके कारण अच्छे अच्छे क्वालिटी के अच्छे अच्छे शेयर्स आपको यहाँ पे सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं इस वक्त बाजार में, ठीक है। तो उन सारी शेयर्स को आप चूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पे भी मुनाफा हो सकता है इस तरह के शेयर्स पे भी, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो अभी हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो चार्ट पैटर्न के मुताबिक आप देख सकते हो, आज के दिन ये शेयर आपको लगभग 10% का अपर सर्किट दिया है, शानदार। मैं अगर आपको इसका वीकली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न के मुताबिक 8% का रिटर्न दिया है, और इस हफ्ते में कंपनी को एक स्ट्रांग सपोर्ट मिल चुका है। आप देख सकते हो ये आने वाले दिनों में ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपर सर्किट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैक्स वन मंथ के चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट पे अपना बिजनेस कर रहा था, फाइनली यहाँ पे लग रहा है कि एक सपोर्ट मिला है, तो ये ऊपर जाने की चांसेस है। इस महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 117% का रिटर्न दे चुका है 6 महीने के अंदर, ठीक है। इस 6 महीने में सबसे ज़्यादा हाई देखेंगे तो हाईएस्ट रहा इसका 2.10 रुपया, 2.10 रुपया आपका मई का 11 मई को इसका 2.10 रुपया था, उसके बाद 2 का शेयर गिर के 1 रुपये पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये पूरी की पूरी कन्फर्मेशन नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। यहाँ पे एक 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे सेम दिखेगा आपको 244 का शानदार रिटर्न, लेकिन चार्ट पैटर्न सेम, ऊपर गया फिर से सपोर्ट मिला, फिर से सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, बट लगातार लोअर सर्किट पे बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आज के दिन या कल के दिन अगर देखेंगे तो 9% का रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन ये एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे फिर से इसकी तरह नीचे आना शुरू हो जाए। तो आपको चार्ट पैटर्न पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का ध्यान चार्ट पैटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा, ये 1 साल का। अगर आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये चार्ट पैटर्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं दोस्तों ये, तो आपको 5 साल का भी चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। 5 साल पहले में क्या क्या हो गया कंपनी के साथ आप देख सकते हो। 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस 2.5 रुपये 3 रुपये के आसपास हुआ करता था। एग्जाम्पल सोच मान लीजिए कि आपने यहाँ पर निवेश किया था, ठीक है, 5 साल पहले, तो आपका प्राइस अभी कितना हुआ यहाँ पे देख सकते हो, 3 रुपये का शेयर 20-25 पैसे पे आ चुका था, फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था बट फिर से ये 1 रुपये पे आ चुका है। तो अगर आप 5 साल पहले भी निवेश कर चुके होते इस कंपनी पे तो अभी भी आप लॉस पे होते, ठीक है। हालांकि लॉस थोड़ा कम होता अगर आप 2-3 साल पहले के देखेंगे, 2019 में तो 19-20 पैसे पे भी आ चुका था ये शेयर, 58% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप मैक्स टू मैक्स निवेश करके भूल जाना चाहते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, एक ज़माने में इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो लगभग 100 रुपये से भी ज़्यादा हुआ करता था। तो वहाँ पे अगर आप निवेश करते तो आज आपका जो पैसा है वो कचरा बन चुका होता पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स जब आप देखेंगे तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, लिस्टिंग होता कंपनी 1995 में 63 रुपीज़ से, उस ज़माने में 63 रुपये का इसका शेयर प्राइस था, मतलब बहुत महंगा हुआ करता था। महंगा शेयर जिन्होंने भी बाय किया वो तो पछताया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5-6 रुपये पे आ चुका था,
बट फाइनली एक अपर सर्किट दिया है। तो अपर सर्किट किस तरह दिया है आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आया फिर से ऊपर गया लेकिन तुरंत नीचे आया। तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट इन्वेस्टर को एग्जिट होने का भी मौका नहीं दिया। और उसमें से भी जो बहुत ही एकदम चालाक, जो एकदम शातिर था, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो चुका है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये कंपनी जो है ये आपको ज़्यादा मुनाफा बनाने नहीं देगा, यहाँ पे तुरंत आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कंपनी उसके बाद ये आगे नहीं गया। लालच दिया जरूर, हर बार थोड़ा सा ऊपर गया तुरंत नीचे आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आया, उसके बाद तो कभी ये ऊपर ही नहीं गया, लगातार डाउन ट्रेंड पे अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 98% जो है परसेंट पैसा निवेशकों का डूब चुका है, अभी भी डूबा हुआ है। तो ये चीज़ है, आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न पे एक नज़र जरूर दीजिए। और ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी को लेके, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इस वक्त आप अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर्स को बाय कीजिए, आपका वहाँ पे रिस्क कम से कम रहेगा। अगर आप इस तरह के शेयर्स पे निवेश करेंगे तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें कंपनी पे निवेश करने से पहले ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।